आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जिस क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ द फोटोन ऑफ द वेव लेंथ 150 पिकोमीटर, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है 150 पिकोमीटर, स्ट्राइक्स एन एटम एंड वन ऑफ द इनर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इज इजेक्टेड आउट विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, सो कैलकुलेट द एनर्जी एंड विच विद विच इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। आप लोगों को एनर्जी फाइंड आउट करनी है जिसमें एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से न्यूक्लियस के साथ में बाउंड है उस एनर्जी को, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को क्या गिवन है, लेट मी चूज माई कलर। ओके, सो इफ द फोटोन ऑफ द वेवलेंथ 150 पिकोमीटर, यहाँ पे बात हो रही है एक सरफेस की, ठीक है, सरफेस किस एलिमेंट का है ये हमें गिवन नहीं है, बट कोई बात नहीं, कोई मेटल का ही सरफेस होगा। इस मेटल के सरफेस पे आप क्या कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहे हो, कितनी वेवलेंथ की, सो वेवलेंथ ऑफ लाइट इज गिवन एज 150 पिकोमीटर आपको गिवन है, ठीक है। ऐसे में आपको पता है कि नॉर्मली जो भी सरफेस पे एक इलेक्ट्रॉन होता है वो इजेक्ट आउट हो जाता है कुछ वेलोसिटी के साथ में, ठीक है। वो वेलोसिटी भी आप लोगों को गिवन है कितनी, दैट इज गिवन एज 1.5 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो अब आपसे वो ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एनर्जी विद विच इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली किस तरह से प्रेजेंट होगा, ये है हमारा एटम, ये है बीच में न्यूक्लियस, यहाँ कहीं पे इसके शेल्स प्रेजेंट हैं, और मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर कहीं पे प्रेजेंट है, तो इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ में क्या होगा, कुछ बॉइंड कुछ 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 जेड इफेक्टिव यहाँ पे काम कर रहा होगा। इस जेड इफेक्टिव की वजह से ही एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके अंदर बैठे रहने की टेंडेंसी है। तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये जो न्यूक्लियस इसका जो जेड इफेक्टिव है वो ओवरकम हो जाए, यानी कि वो ओवरकम हो जाए और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाए। तो मुझे इस एनर्जी को फाइंड आउट करना है जिससे कि इस न्यूक्लियस ने इसको बाउंड कर रखा है, ठीक है। और याद करो यार, ये भाषा तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे कि हम ओमेगा नॉट के लिए कहते हैं। ओमेगा नॉट को हम कहते हैं कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है विच इज इक्वल टू एच न्यू नॉट विच इज इक्वल टू एच सी पाई लैम्डा नॉट, है ना। ये वो मिनिमम एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को इलेक्ट्रॉन से खत्म करने के लिए, सो दैट कि आप उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सको। इससे एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, सो दैट एक्स्ट्रा एनर्जी विल कंट्रीब्यूट टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट वो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एक मिनिमम एनर्जी आपको जो चाहिए होगी सिर्फ इस जेड इफेक्टिव को तोड़ने के लिए, उसको आप ओमेगा नॉट कहते हो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन की ना भाषा को समझना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि वो छोटे छोटे से बच्चे नहीं होते जो कि कुछ भी बोलते हैं, मामा पापा दादा कुछ भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली हो सकता है कि उनका इंटेंशन जो है वो दादा मामा पापा बोलने का ना हो, उनका इंटेंशन ये हो कि भाई हमें भूख लग रही है हमें खाना दो, ठीक है। तो कई बार आपको इसी तरह से जो आपकी साइंस की लैंग्वेज होती है उसको भी समझना पड़ता है भले ही उन्होंने सीधा सीधा ना बताया। देखो क्वेश्चन को वापस से समझो, कैलकुलेट द एनर्जी, उस एनर्जी को कैलकुलेट करो विद विच इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, जिससे कि वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, यानी कि आपको ये मेन एनर्जी जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो इसको फाइंड आउट करने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, अब हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो एक नॉर्मल जो हमें पता है इक्वेशन वो क्या होती है कि जो काइनेटिक एनर्जी है जिसको हम कई बार यूज कर सकते हैं, सो दैट इज इक्वल टू, इसको मैं चलो प्रॉपर लिख लेती हूँ, सो विच इज इक्वल टू कि कितनी एनर्जी आप दे रहे हो, कितनी इंसिडेंट एनर्जी है माइनस कितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यानी मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए उसको अगर माइनस कर दिया जाए कि टोटल आप कितनी एनर्जी की लाइट प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी बचेगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के साथ में अब मूव कर सकता है, ठीक है। बट मैंने जैसा कि कहा हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा गया है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये आप जानते हो किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें ई नॉट को ही फाइंड आउट करना है कहीं ना कहीं, तो हम इसको इस हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। सो ई नॉट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट को उधर ले जाओ, सो दिस विल बी ई इंसिडेंट माइनस काइनेटिक एनर्जी, ऐसा हो गया। अब ये ई नॉट जो होता है वो किसके इक्वल है, यही हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको ओमेगा नॉट लिख देती हूँ बिकॉज दिस इज हाउ द वर्क फंक्शन इज बीइंग शोन। ई नॉट लिखने की बजाय हम उसको ओमेगा नॉट लिखते हैं वर्क फंक्शन को। ई आई आपका किसके इक्वल होता है, एच न्यू के इक्वल, और आप सभी जानते हो कि एच न्यू में जो न्यू है अगर उसको लैम्डा में कन्वर्ट करना है तो आपको सी बाय लैम्डा करना पड़ेगा, सो दिस इज हाउ द इक्वेशन बिकम्स एच सी बाय लैम्डा। अब तक हम बहुत बार यूज कर चुके हैं तो अब तक आप प्रो हो चुके हो गए इन सब में, सो दिस इज एच सी बाय लैम्डा। माइनस काइनेटिक एनर्जी को हमें एज इट इज नहीं लिखना होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, बट हमें वेलोसिटी गिवन है, सो लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, जो कि कितना होता है हाफ एम वी स्क्वायर फॉर एनी ऑफ द पार्टिकल, ठीक
ठीक है। अब हमें ओमेगा नॉट को फाइंड आउट करना है, बाकी जो भी वैल्यूज आपको गिवन है बस उनके वैल्यूज को पुट करते जाओ। ठीक है, अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। चलो तो एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 × 10⁻³⁴ J/s। सी की वैल्यू कितनी होती है, सी मतलब आपका स्पीड ऑफ लाइट, सो दिस इज 3 × 10⁸ m/s। लैम्डा देखो आपको कितना गिवन है, देखो यहाँ पे जरा लैम्डा कितना गिवन है हमें, 150 पिकोमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 150 पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻²⁻ के इक्वल होता है। ठीक है, माइनस हाफ ऑफ एम, एम किसकी बात हो रही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इजेक्ट पान हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो है जिसको कि हम देख रहे हैं कि वो भाई कितना न्यूक्लियस से बाउंड है, या इलेक्ट्रॉन ही तो है जो बाहर निकल रहा है, सारी कहानी ही इलेक्ट्रॉन के पीछे है। सो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³⁻ में, kg इज द यूनिट, SI यूनिट ऑफ मास, तो kg में। और वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी गिवन है हमें इलेक्ट्रॉन की, तो देखते हैं जरा, वेलोसिटी इज गिवन एज 1.5 × 10⁻⁷ ऑलरेडी m/s में। सो 1.5 × 10⁻⁷ ये किसमें है, m/s। ठीक है, अब सॉल्व कर सकते हो इसको आसानी से, जो भी कुछ कैंसिल हो रहा है पहले कैंसिल कर लो। देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका किलो जूल m/s है, ये भी क्या होती है, एनर्जी की ही वैल्यू होती है, अब तक आप लोगों को पता होगा। ठीक है, क्या है, किलो जूल m/s² m/s² ठीक है, ये भी क्या होती है, ये वैल्यू जो है ये एनर्जी के, ये यूनिट जो है ये एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पे जो मेरी एनर्जी है ये ऑलरेडी किसमें है, जूल्स में है। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि एनर्जी में से एनर्जी को हम लोग माइनस कर रहे हैं, क्लियर है। चलो एक सेकेंड, तो आप सॉल्व करोगे तो देखो थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, 6.6 × 3 × 10⁻⁴ क्या हो गया, -34 +8 -12 को भी ऊपर लेके चल जाओ तो ये बन जाएगा +12 और डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, इतने पार्ट को आप एक बार सॉल्व कर लो। माइनस आप यहाँ पे क्या करो, जो भी कुछ साथ साथ में लिख सकते हो, 9.1 × 1.5 / 2। ठीक है, और यहाँ मैंने क्या कर लिया, जो भी वैल्यूज है 10⁻³ +7, ठीक है, इनको साथ में लिख दिया। ये दोनों एनर्जी के टर्म्स है तो आप इनको इजीली माइनस कर सकते हो। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे जो कि एच सी बाय लैम्डा के लिए है, तो आपकी वैल्यू जो है वो 13.25 × 10⁻⁶ निकल कर आएगी। एक बार इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। और जब आप इस ½ mv² वाली जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करोगे, तो जो आपकी वैल्यू है 1.025 × 10⁻⁶ जूल आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 10⁻⁶ को कॉमन ले लो और 13.25 में से 1.025 को माइनस कर दो। ठीक है, तो जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा, दिस कम आउट टू बी एज, ठीक है, इन दोनों को माइनस किया, सो दिस विल बी लाइक 12.225 × 10⁻⁶। ये मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, है ना, आप लोग प्लीज इसको एक बार करके देख लेना। अभी मैं साथ का साथ कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये बेकार का टाइम वेस्ट है, हम यहाँ पे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बैठे हैं, मैथ्स तो आपकी मेरे से ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो ये जो भी कुछ मेरा आंसर आया ये जूल्स में आया, यानी कि एनर्जी की बात हो रही है। बट आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि जनरली जो हम ओमेगा नॉट है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में शो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके लिए आप क्या करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के इक्वल होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के इक्वल होता है, राइट। तो अगर जू इसको जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1 जूल क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर दू तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो जूल को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, सो आई विल डिवाइड दिस 225 × 10⁻⁙ विद कौन सी वैल्यू, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल से। ठीक है, तो ये जो मेरा आंसर है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो कुछ निकल के आएगी, 7.63 × 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन में एक तो ये ओमेगा नॉट पूछा गया था, और ओमेगा नॉट हमसे पूछा किस सेंस में था, उन्होंने हमसे ये पूछा था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कितना बाउंड है न्यूक्लियस के, ठीक है, न्यूक्लियस के कितना बाउंड है, यानी मुझे कितनी कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से बाहर ला सकूं, उसके अलावा जो भी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी बचती है वो किस काम में आएगी, इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने में हेल्प करने में काम आएगी। ठीक है, तो ये पूरा सोल्यूशन था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, आप चाहे तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से भी देख सकते हो सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो आपने एनर्जी ई निकाला, यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से दिखा रखा है बट एक ही बात है,
कैसे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई इक्वल टू एच न्यू, यानी कि इन्होंने ई इंसिडेंट को पहले फाइंड आउट कर लिया अलग से, उसके बाद में इन्होंने काइनेटिक एनर्जी को इस फॉर्मूला से हाफ एम वी स्क्वायर से अलग से फाइंड आउट कर लिया, तो ये निकल गए इनकी काइनेटिक एनर्जी। और फिर डब्ल्यू नॉट निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ई आई माइनस काइनेटिक एनर्जी ये अलग से कर लिया, ठीक है, अलग अलग से सॉल्व किया, मैंने आपको एक साथ सॉल्व करके दिखा दिया। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो पहले तो आपका आंसर जूल्स में आ जाएगा, फिर इसी को जब आप डिवाइड कर दोगे 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल से, तो ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो एक्चुअली आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना बाउंड है वो उसके वर्क फंक्शन, मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। और इसको मीनिंग वाइज भी आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि वर्क फंक्शन एक्चुअली है क्या, दिस इज थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि मिनिमम एनर्जी आपको इतनी तो देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस को ही नहीं छोड़ेगा, तो आप उसको बाहर कैसे निकालोगे, इजेक्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 54, जिसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, जरूरत से ज्यादा। सो यस, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 55। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।